हाय एवरीवन, दिस इज़ किरण। वेलकम बैक टू माय चैनल। बसंत पंचमी आने वाली है तो उसी के उपलक्ष्य में मैं लेकर आई हूँ बेसन के हलवे की रेसिपी, और हम बहुत ही सिंपल तरीके से उसको बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने हाफ कप हॉट वाटर ले लिया है, काफ़ी गर्म पानी है ये। अब इसमें हम 10 से 12 केसर के थ्रेड्स डाल देंगे। अभी ये गर्म पानी है, पर जब तक बेसन बनेगा तब तक ये गुनगुना हो चुका होगा। सिर्फ केसर का कलर आ जाए इसलिए हमने काफ़ी गर्म पानी लिया है। मिक्स कर देंगे और इसको एक साइड रख देंगे। अब हम कढ़ाई लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1/4 कप शुद्ध घी, और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप बेसन। बेसन बारीक पिसा हुआ लेना है, मोटा नहीं लेना है। 1 टेबल स्पून रवा डालेंगे और अब इसको मिक्स करेंगे। स्टार्टिंग में ये काफ़ी थिक रहेगा जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर धीरे धीरे ये लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पूरा बेसन बहुत ही धीमी आंच पे भुनना है, क्योंकि जब हम बेसन को धीमी आंच पे भुनते हैं तो बेसन एक सा भुनता है और स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप धीमी आँच पर इसको भुनें। बेसन से बनने वाली आप कोई भी मिठाई बनाएं तो बेसन को आप हमेशा धीमी आँच पर ही भुनें। लगातार चलाते हुए हम इसको भुनेंगे। अभी बेसन को भुनते हुए 3 से 4 मिनट ही हुए हैं और आप देख सकते हैं ये काफ़ी लूज़ हो गया है। अब इसको चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे जैसे बेसन भुनेगा वैसे वैसे इसकी खुशबू काफ़ी अच्छे से आने लगेगी। तो अब आप देख सकते हैं बेसन का कलर काफ़ी चेंज हो गया है, पर अभी भी हमको इसको और भुनना है। पर इससे पहले हम इसमें फ्लेवर के लिए इलायची डालेंगे। यहाँ मैंने 2 इलायची के दानों को मोटा मोटा कूट लिया था, उसको हम ऐड कर देंगे। यदि आपको इलायची पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और अभी हमको इसको और अच्छा कलर आने तक भुनना है। और अब आप देख सकते हैं कि बेसन का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। बेसन को भुनने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हम धीमी आंच पे इसको भुन रहे हैं, लेकिन जब आप एंड रिज़ल्ट देखेंगे, हलवे का स्वाद देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि धीमी आंच पे भुनने में कितना अच्छा टेस्ट आता है। तो आप बेसन को भुनते हुए काफ़ी देर हो चुकी है, लगभग 10-12 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं इसका काफ़ी कलर चेंज हो चुका है। अभी हमने बेसन की क्वांटिटी काफ़ी कम ली है इसलिए ये फिर भी काफ़ी कम टाइम में भुन गया है। जितना ज़्यादा आप बेसन लेंगे उतना टाइम लगेगा इसको भुनने में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। हमने 1/2 कप बेसन लिया है तो हम 1/4 कप इसमें चीनी ऐड करेंगे। जितना आप बेसन ले रहे हैं उसका आधा आपको चीनी ऐड करना है। यदि आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा आप चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी के साथ भी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए भुनेंगे। तो लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम हमारा तैयार किया हुआ केसर वाला पानी ऐड कर देंगे। अभी ये पानी गुनगुना है। हम गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि गर्म पानी डालते से ही ये काफ़ी तेज़ी से बाहर आने लगता है, जिसमें जलने का डर रहता है, तो गुनगुना पानी ही हम इस्तेमाल करेंगे। पानी की जगह आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सेम क्वांटिटी में, या आप आधा पानी और आधा दूध ले सकते हैं। देखिए हलवा पूरी तरह रेडी है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। जनरली बेसन के हलवे में कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डालता है, पर मुझे पसंद है इसलिए मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। मैंने कुछ बादाम और काजू लिए हैं बारीक कटे हुए। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हलवा हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए कितना बढ़िया बेसन का हलवा बन के तैयार हुआ है, और बहुत ही बढ़िया हलवा बना है। हमने इसको केसर के थ्रेड से गार्निश किया है। तो बेसन का हलवा बनाना बहुत ही इजी है, आपने देख ही लिया है। तो इस बसंत पंचमी पर आप बेसन का हलवा ज़रूर बनाएं प्रसाद के रूप में। तो यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।